तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी से चैप्टर 5 जो कि धारावाही लूप तथा बलयुग्म का आघूर्ण नाम से चैप्टर है, इसको पढ़ाने वाले हैं। तो टाइम 7 से 8 पढ़ा जाता है और ये पार्ट पहला क्रिएट किया जा रहा है, इसका वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए एनसीईआरटी में जो है इस नाम से चैप्टर नहीं दिया है, एनसीईआरटी में वही चुंबकत्व वाले चैप्टर में ही इसको मिला के लिख दिया गया है। तो हम इसको अलग अलग करके बताएंगे एकदम अच्छे तरीके जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलते अपने टॉपिक पे कि क्या हमारा टॉपिक है, शुरू करते हैं। तो देखिए पहली हेडिंग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। देखिए ये है आपका फिगर, ये है पी क्यू आर एस, एक आयताकार बॉक्स है, इधर फोर्स F1 है, इधर फोर्स F2 है, इधर फोर्स F3 है, इधर फोर्स F4 है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए ये है आपका, ये भी एक फिगर है, ये फिगर नंबर ए है, ये फिगर नंबर बी है। ये देखिए क्या है, इधर फोर्स F1 है ऊपर की साइड में, अप डायरेक्शन है, इधर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में F2 है, ये डाउन है। ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये थीटा एंगल है, ये आपका आधार जो है बी साइन थीटा है, ये डैश एक समझिए रेखा है, ये बी है। तो साइन थीटा और लंब बटे कर्ण का उपयोग करके ये आपका वैल्यू निकाल लिया गया है बी साइन थीटा। तो चलते हैं पहले इसको पढ़ते हैं और डिराइव करते हैं एक फॉर्मूला। तो देखिए जब किसी लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर नेट चुंबकीय बल का मान शून्य होता है, किंतु इन पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कभी शून्य नहीं होता है। देखिए जब किसी लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप रखेंगे तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा, और जब चुंबकीय बल कार्य करेगा तो जो धारावाही लूप पर नेट चुंबकीय बल है उसका मान शून्य होता है। लेकिन धारावाही लूप पर जो नेट चुंबकीय बल है वो शून्य होता है, लेकिन जो टार्क है लगने वाला बल आघूर्ण है वह कभी भी शून्य नहीं होता है। ये बात तो एकदम क्लियर है, फैक्ट समझ जाइए एकदम बढ़िया से। और एक चीज देखिए कि मान लिया एक आयताकार लूप ABCD है, ABCD या PQRS है, कोई भी हम मान लेते हैं अपने हिसाब से। वहां पे आपका क्या था, PQRS था, तो यहाँ पे PQRS मान लेंगे हम। मान लिया एक आयताकार लूप PQRS है जिसकी लंबाई L तथा चौड़ाई B है, स्मॉल B, लेंथ चौड़ाई को वृत्त कहते हैं। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो इन पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल मान लीजिए F बराबर क्या कर लेते हैं, F का जो मान होगा वह F1 के बराबर होगा, F2 के बराबर होगा, F3 के बराबर होगा, F4 के बराबर होगा। और ये जानते हैं आप F बराबर IBL साइन थीटा एक फार्मूला होता है, तो F बराबर क्या कर देंगे, F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4 बराबर ILB साइन थीटा या IBL साइन थीटा जो भी कर दें। अब देख रहे हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री, ऐसे था ना एक दूसरे लंबवत, तो 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ILB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो सीधा हम कर दिए ILB। ठीक, अब देखिए समीकरण नंबर 1 इसको बनाते हैं। अब धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, टाऊ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक, टाऊ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल क्या था, ILB आपने ऊपर से निकाला है। ठीक, टाऊ बराबर F × R होता है टार्क, मतलब बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब देखिए तो बल जो था ILB था, यहां से आपने ILB निकाला था, और दूरी क्या था, P साइन थीटा। अब ये कहां से आया, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंबवत दूरी निकालना अर्थात लंब निकालना है, साइन थीटा और बटे कर्ण का मान था बी, तो ये बी साइन थीटा यहां से आ गया, ये तो लंबवत दूरी क्या हो गई, बी साइन थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ILB गुणे बी साइन थीटा। अब यल बी को एक साथ रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इस यल को इस बी के बगल में, ILB कैपिटल बी साइन थीटा। अब जानते हैं यल था लंबाई, बी था चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल एरिया ए हो गया, तो यल इंटू बी इक्वल टू ए हो गया, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई इसकी जगह यल बी की जगह क्या रख देंगे, ए, तो टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। अब सबका अर्थ समझ लीजिए आप, यहां पे टाउ क्या है, बल आघूर्ण, आई क्या है,
प्रवाहित धारा। ठीक, प्रवाहित धारा ये क्या है, जो चालक रहेगा उसके परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक, बी क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र। थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से बना कोण, चुंबकीय क्षेत्र से बना कोण। अब जब भी कोण लगता है तो कुछ कंडीशन बनती है, तो वही कंडीशन देखेंगे यहां पे, कंडीशन कौन कौन सी बन रही है। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं कंडीशन। देखिए बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो आराम से केवल इसको कवर करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है। और देखिए यहां पे, यदि कुंडली में यन फेर हो, तार जो है कुंडली में जो लगा तार है उसका अगर यन फेरा हो, तो टाऊ बराबर आई ए बी साइन थीटा, तो फॉर्मूला निकल के आया ही था उसमें यन का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यन फेरा है, तो टाऊ बराबर क्या हो जाएगा, यन आई ए बी साइन थीटा। सबका मतलब एक ही रहेगा, यहाँ पे यन क्या रहेगा, कुंडली में तार के फेरों की संख्या। लिख देते हैं, कुछ बच्चे नहीं सोच पा रहे होंगे तो इनको लिख देते हैं, कुंडली में तार के फेरों की संख्या ठीक। अब देखिए यहां पे दो स्थितियां संभव है, दो कंडीशन यहां पे संभव है। अब वो कौन कौन सी स्थितियां है ये देखने वाली चीज है कि कौन कौन सी वो दो स्थितियां है। यहां पे दो स्थितियां संभव, पहला जब लूप क्षेत्र के समांतर हो, जब लूप क्या होगा क्षेत्र के समांतर होगा, तो जब समांतर होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो डिग्री हो जाएगी, समांतर होगा तो थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री। तो आप फार्मूला जानते हैं टाऊ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे जीरो डिग्री, तो टाऊ बराबर क्या हो जाएगा एन आई ए बी गुणे साइन जीरो, साइन जीरो अंश का मान होता है जीरो, तो टाऊ बराबर एन आई ए बी गुणे जीरो, तो टाऊ की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि यदि लूप क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत हो अर्थात थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो आप फार्मूला जानते हैं टाऊ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो टाऊ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाऊ बराबर एन आई ए बी साइन 90। अब साइन 90 अंश का मान जो होता है एक, तो टाऊ बराबर एन आई ए बी गुणे एक हो जाएगा, तो टाऊ बराबर आपका क्या हो जाएगा, बलाघुण एन आई ए बी, यहां पे भी सबका मतलब सेम है, तो यहां पे टाऊ क्या है बलाघुण, एन क्या है तार के फेरों की संख्या, आई क्या है प्रवाहित धारा, ए परिच्छेद का क्षेत्रफल, बी चुंबकीय क्षेत्र। तो सबका अर्थ एकदम समान है, सब आप लोग पहले से पढ़ के आए हुए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, देखिए चल कुंडली धारा मापी, देखते हैं चल कुंडली धारा मापी क्या होता है। धारा मापी वह यंत्र है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। धारा मापी क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में धारा उपस्थित है कि नहीं है इसका पता लगाता है। ठीक है, अब यह कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, जो चल कुंडली धारा मापी है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक तो होता है निलंबित कुंडली धारा मापी और एक होता है किलकित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी, ये दो टाइप का होता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग निलंबित कुंडली धारा मापी की। तो देखिए निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होता है कि जब किसी कुंडली को प्रबल एवं अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है, अर्थात इसकी क्रिया धारावाही कुंडली पर कार्यरत बलाघूर्ण पर आधारित है। देखिए तो एकदम बढ़िया समझिए कि जब कोई भी कुंडली हो उसे प्रबल व स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो उसमें विद्युत धारा लटका के जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की जो पारस्परिक क्रिया है
उसके कारण जो कुंडली है उस पर एक बलयुग्म लगता है, बलयुग्म कार्य करता है, अर्थात बलयुग्म के कारण ही ये निलंबित कुंडली धारा मापी का जो है कार्य होता है। अर्थात इसका जो सिद्धांत है, जो कार्य करने की प्रक्रिया है, वो किस पे आधारित है? बलाघूर्ण पे ही आधारित है। टोटल टार्क अर्थात बलाघूर्ण पे ही आधारित है। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इसकी रचना देखते हैं हम लोग। देखिए ये चित्र बनाते तो ज्यादा समय लगता, तो बुक थी उसी से हम आपको दिखा दे रहे हैं, केवल आप समझ लीजिए कौन कहां पे सेट होता है। तो देख लीजिए कौन कहां पे क्या सेट है। ये है मरोण टोपी, ये क्या है? मरोण टोपी है, ठीक। ये है फास्फर ब्रांज की पत्ती, ये जो लटकी हुई है फास्फर ब्रांज की पत्ती है। ये आपका यम क्या है? अवतल दर्पण है। तांबे के तार की कुंडली है, ये क्या है? तांबे के तार की कुंडली है। ये क्या है? एल्युमिनियम का फ्रेम है, ये एल्युमिनियम का फ्रेम। ये सी क्या है? ये क्रोड है, ये क्या है? क्रोड। ये जो नीचे देख रहे हैं ये है आपका स्प्रिंग, ये नीचे जो देख रहे हैं आप ये है आपका लटका स्प्रिंग, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है। और ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल, चुंबक का नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव, और ये है साउथ पोल माने दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। अब चलते हैं अपना ये कैसे कार्य करता, क्या होता है, इसकी वर्किंग देखते हैं। देखिए तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनीमीटर जो भी कहें, धारा मापी को गैल्वेनोमीटर भी कहता है। तो जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, एबीसीडी एक आयताकार कुंडली होती है, इसमें एबीसीडी एक क्या होती है? आयताकार कुंडली होती है, जो किसी शक्तिशाली चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच रखी जाती है। देख रहे थे ना नॉर्थ पोल साउथ पोल था, तो उनके बीच ही इसको सेट किया था है, इस एबीसीडी जो आपकी आयताकार कुंडली है उसको, इस दोनों ध्रुवों के बीच रखी जाती है। इसके भीतर नर्म लोहे का क्रोड होता है, जो सी था आपका नर्म लोहे का क्रोड होता है, जो कि फास्फर ब्रांज के पत्ती द्वारा लटका रहता है, जिससे एक अवतल दर्पण यम जुड़ा रहता है। इस संपूर्ण निकाय को किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में रखकर उस पर कांच का ढक्कन लगा देते हैं। ये जो संपूर्ण निकाय है, पूरा आपका कार्यक्रम है, सिस्टम है, इसको क्या करते हैं? एक अनुचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में रखेंगे और उस पर कांच का आपका लगा देंगे ढक्कन। तो निम्नलिखित कुंडली तो क्या होता है? निलंबित कुंडली धारा मापी बन जाता है। जब ये कार्यक्रम इतना करेंगे तो आपका क्या बनेगा? निलंबित कुंडली धारा मापी बन जाएगा। तो पहले आप चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एबीसीडी एक आयताकार कुंडली होता है, जो कि शक्तिशाली चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच क्या होता है? व्यवस्थित होता है। इसके भीतर क्या होता है? नर्म लोहे का क्रोड होता है, जो किसके द्वारा लटका रहता है? फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा लटका रहता है। अवतल दर्पण एक यम था उसमें। इस संपूर्ण निकाय को जब क्या करते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में रखकर कांच का ढक्कन लगाते हैं, तो निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होता है? बन जाता है। अब इसका सिद्धांत देखते हैं। यह तो था इसका संरचना, सिद्धांत। तो देखिए, मान लिया आयताकार कुंडली एबीसीडी को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस पर एक बलयुग्म लगने लगता है, जिसके कारण बलाघूर्ण प्रेरित हो जाता है। जब बलयुग्म लगेगा तो बलाघूर्ण क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। इस बलाघूर्ण को कहते हैं विक्षेपक बलाघूर्ण, इस बलाघूर्ण को कहते हैं विक्षेपक बलाघूर्ण। अब विक्षेपक बलाघूर्ण बराबर क्या होगा? आईएलबी, देखिए लंबवत लग रहा है, आई बी एल साइन थीटा, तो थीटा 90 हो जाएगा, तो आई एल बी, अगुड़े बी हो जाएगा यहाँ पे दूरी, बलाघूर्ण होता है टाउ बराबर यफ इंटू आर, तो यफ बराबर आई एल बी, इससे पहले भी देखे थे अगुड़े बी, ये आपका हो जाएगा, ठीक, दूरी बी हो जाएगा। तो देखिए इस बी का इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एल से बी को मिला के लिखेंगे, तो आई बी गुड़े एल बी। अब लेंथ इंटू ब्रिथ क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। तो लेंथ एल बी क्या हो जाएगा? ये ए के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आई बी गुड़े ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यदि फेरों की संख्या क्या हो? यन हो, तब विक्षेपक बलाघूर्ण क्या हो जाएगा? इसमें यन का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यन आई ए बी, ये हो जाएगा समीकरण एक, ठीक। अब देखिए इस बलाघूर्ण के कारण कुंडली घूमती है। यदि तार में ऐंठन से उत्पन्न बल
युग्म सी तथा थीटा कोण ऐठने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण। देखिए अब क्या होगा, ये जो बल आघूर्ण है इसके कारण कुंडली क्या होगा, घूमती है, और जब घूमेगा तो उसमें ऐठन पड़ेगा, ऐठन पड़ेगा। तो जो ऐठन से उत्पन्न बल युग्म है उसको हम सी से दिखाएंगे, और थीटा कोण ऐठने के लिए जो आवश्यक बल आघूर्ण है उसको हम लोग निकालेंगे। तो मान लीजिए एक रेडियन के लिए ऐठन बल आघूर्ण आपने क्या लिया है, सी लिया है। एक रेडियन जो है उसके लिए ऐठन बल आघूर्ण क्या है, सी है। तो ऐसे ही थीटा रेडियन के लिए बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसी में थीटा का गुणा हो जाएगा, सी इंटू थीटा। देखिए केवल ध्यान समझिए, ये हो जाएगा समीकरण नंबर दो। अब देखिए ये दोनों ही बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण दोनों है, तो समीकरण एक बराबर दो हो सकता है, क्योंकि बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण तो हो ही सकता है। तो समीकरण एक बराबर दो करते हैं, देखिए तो देखिए समीकरण एक बराबर दो कर देंगे, बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण। तो सी थीटा था समीकरण आपका दो, समीकरण एक को इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई दिक्कत है नहीं, सी थीटा था आपका समीकरण दो और समीकरण एक था या नहीं ये भी, तो समीकरण एक बराबर दो कर दिया आपका। तो हमको निकालना है यहां से क्या, आई की वैल्यू, आई की हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो यहां पर आई की वैल्यू चाहिए, तो सी थीटा के बटे एन ए बी हो जाएगा, एन ए बी हो जाएगा। तो आई बराबर सी थीटा बटे एन ए बी हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे इस एन ए बी को क्या करेंगे, सी के बटे में लेते हैं और थीटा को अलग ढकेल देते हैं। तो क्या होगा, आई बराबर सी बटे एन ए बी गुणे थीटा। अब देखिए सी बटे एन ए बी बराबर होता है क्या, के, क्या होता है, के, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। सी बटे एन ए बी बराबर होता है के, कांस्टेंट। तो इसको यहां पे रख देंगे इस ओवरऑल की जगह, तो के क्या हो जाएगा, इंटू थीटा। आई बराबर क्या हो जाएगा, के थीटा, जहां पर के को कहते हैं गैल्वेनोमीटर नियतांक। के क्या है, गैल्वेनोमीटर नियतांक, ठीक। अब देखिए अर्थात धारा क्या होता है, आई देख रहे हैं, अगर इस प्रपोर्शन इस बराबर नियतांक को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो प्रपोर्शनल का चिन्ह लगेगा, क्योंकि प्रपोर्शनल को ही हटाने के लिए तो नियतांक लगता है। तो आई प्रपोर्शनल किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो अर्थात आई प्रपोर्शनल टू थीटा, अर्थात धारा का प्रबलता, अर्थात धारा का मान जैसे जैसे ही बढ़ाएंगे जो संकेतक पर बना कोण है वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जिसको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, ठीक है, धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब न किया वो सब्सक्राइब कर ले, टाइम तो आप लोग 7 से 8 फिजिक्स और 8 से 9 केमिस्ट्री जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान जाए, ठीक है, धन्यवाद।